बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। थाना सुरजी क्षेत्र के गांव भदनबारा के समीप खेतों में ताजी खून से लथपथ आधा दर्जन गांव व साणों के अवशेष मिलने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। खबर को सुनते ही ग्रामीण काफी संख्या में एकत्रित हो गए और गौकसी की सूचना गौरक्षक दल व विश्व हिंदू परिषद को दी गई। गौकसी की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष विनोद राघव व गौरक्षक दल अपनी टीम लेकर पहुंच गए। लगभग आधा दर्जन गौकसी के अवशेषों की सूचना मिलते ही सीओ मार्ट गुंजन सिंह व थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार में टीम के मौके पर पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों व गौरक्षक दल टीम को समझा बुझाकर शांत किया। मौके पर मिले अवशेषों को जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर दबाया गया। मिले अवशेषों की सैंपल लेकर लैब रिपोर्ट के लिए भेजा गया। आपका अजय कुमार। अजय कुमार जी कहाँ के निवासी हो? भदनवारा के। क्या घटना घटी आपकी? घटना यहाँ रात की बात है, देर रात की। ये चार पांच गाय या बिजार दोनों यहाँ काटे गए हैं, उनका मांस ले गए हैं, कहीं पैर पड़ा है, कहीं उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई है। यहाँ पुलिस प्रशासन भी आ चुका है और अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन अभी किसी की ये पहचान नहीं हो पाई है कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई है। उसका गाय का अंदर का मलबा वो यहाँ छोड़ गए, आप देख सकते हैं। इसमें लाया के पेड़ अंदर खेत में भी है, इधर गेहूं के खेत में भी है, चारों तरफ पूरा खेत मीट मांस से भरा हुआ है। तो सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि ऐसे कृत्यों पे सावधानी बरते और इन गौवंशों को इनसे संरक्षण दे। अध्यक्ष जी, ये भदनवारा में गौकसी का क्या मामला हुआ है? अभी आधा घंटे पहले बजरंग दल के हमारे जो यहाँ के स्वयंसेवक है, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पे आधा दर्जन गौवंशों को निर्दयता से काटा गया है। और मौके पे यहाँ देखी तो बड़ी दुखद स्थिति है, बिल्कुल ताजा ये आज का ही कांड है। और इस सत्ता में भी अगर गायों की इस तरह से गौकसी होगी तो इससे बुरा कोई काम नहीं है। और प्रशासन इसमें पूरी तरह से जवाबदेह है कि रात्रि में गश्त द्वारा बिल्कुल रोड के सहारे, मेन रोड के सहारे इस तरह की जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। अच्छा, ये पुलिस प्रशासन को ही है मौके पर? पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस ने हमसे कहा है कि इस पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई करेंगे। जी क्या नाम है आपका? छोटे पहलवान। पहलवान जी बताइए, कहाँ के रहने वाले आप? भदनवारा गाँव है। क्या घटना घटी यहाँ पे? यहाँ पे गाय बिजार, मतलब 10-5 बिजार और गाय कटी, हाथ मन छोड़ गए निकाल निकाल के, खेती भी पड़े और घोंटू थे नीचे नीचे पैर है और इंजेक्शन है, पहले सुन्न करे गए, वो सुन्न के बाद में फिर मतलब वो काटे गए, जब जाते भरे के ले गए। एक दो आदमी नहीं है, कम से कम 10 आदमी तो कम से कम होने चाहिए। 10 आदमी प्रतीत होते हैं। हाँ जी। और तो आप यहाँ खेत पे आए होंगे जब मालूम? सुबह मालूम पड़ी, सुबह जैसे हम आए, रात को तो हम झटका मशीन लग रही है यहाँ तार, तो आमदना है कोई सुमत नहीं यहाँ पे रात को तो। और सुबह जब बालक बच्चे हम आए जब देखिए, जब मतलब मालूम पड़ी है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, X-ray, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।